लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चौबीस अक्षर के गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर विलक्षण है। बाकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एगो शब्द आयल है, वह प्रचोदयात अर्थात सन्मार्ग पे चले के प्रेरणा। गायत्री महामंत्र का अंतिम अक्षर और द्वितीय चरण के इस शब्द के भाव है। यदि हम कबो दुर्बुद्धि के पथ पर चल पड़ी तो हे सविता देवता, हे सूर्य भगवान, हे गायत्री माता, हमनी के जबरदस्ती या सन्मार्ग पर चला दी। हमनी के बुद्धि जौन गलत मार्ग पे जा रहा है, सही मार्ग पे सही पटरी पे ले आई। दुर्बुद्धि से आज समाज में भ्रष्टाचार फैलल है, गलत कार्य के बाढ़ आ गई है, चारों ओर अराजकता के आतंकवाद के वातावरण बनल है। दुर्मति जनित दुर्गति से गायत्री महाशक्ति हमनी के बचावेली, हमनी के सन्मति देवेली, हमनी के सदगति की ओर, मोक्ष की ओर, बंधन मुक्ति की ओर ले जावेली। आसुरी शक्ति सबसे आज हमनी के लड़े के है, सतयुग लावे के है। तो शक्ति वत्स, ई जन्म से पहले तू कई बार अवतरित भइला। उ तो स्वयं आशीर्वाद देवे में समक्ष माता, आज स्वयं भगवान वेद व्यास ओके दीक्षित कैले हवन। दीक्षित कैले हवन भगवान वेद व्यास, आज नूतन सृष्टि के संकल्प करिए ले। ताई जी श्री राम के देर तक मंत्र पाठ करत देख के चिंतित हो जाली। पता नहीं आज कितना देरी ले बैठ के पूजा करत रही। कहूं सन्यासी की बात सत्य तो ना हो जाई। इहो बाबा जी हो गई तो हम का करब। के बाबा जी हो जाई माँ, आप कौन सन्यासी के बात करत रहली? खुश रह, आज का हो गए तो के? हाँ, वेद पुराण सब एक ही दिन में पढ़ लेला का? कितना देर तक पूजा करत रहला? बतावत है। बाकी आप कौन सन्यासी बाबा के बात करत रहली? वो सुबह सुबह तंबूरा लेके एको महात्मा आयल रहे, कहत रहे कि तुहार दीक्षा हो रहा है। हिमालय से हमार गुरुदेव आयल रहले, हमके कुछ आदेश दे गई हवे। का आदेश दे के गई हवे? कहूं तो के अपन तरह सन्यासी बने की तो नहीं कह गई ले? देखो अगर कह गई हवे तो बता दिया हमके, कह दे थाई। माँ पूरी बात तो सुना, बैठ। हाँ बोला। उनका आदेश है कि 24-24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरण करे के है। एगो महापुरुष चरण एक साल में खत्म हुई। ठीक है, तो 24 वर्ष तक पूरी उम्र साधना करा, बाकी तू हमके छोड़ के तो न जाइब ना? नहीं जाइब, तो के छोड़ के कहवा जाइब? हमके डर लागेला, छोटन रहे तब वो हमके छोड़ के चल गेल रहे, कहत रहे हिमालय जात है, वही जे हमार घर है। तू हमके वचन द, जब ले हम जीवित है तू हमके छोड़ के कतो न जाइब। ऐसे से आपके भरोसा होला तो हम आपके वचन देते हैं कि हम आपके छोड़ के कहीं ना जाइब। अब आगे के बात तो सुना। हाँ सुनावा। तुहार वचन सुन के हम बेफिक्र हो गईली। साधना पूरा होला तक जौ के आटा से बनल रोटी खाई के हा और गाय के मट्ठा के छाछ। ठीक है, ओकर अपनी यहाँ कोनो कमी नहीं। और माँ पूजा में जौन दीपक स्थापित है ओकर ज्योति अखंड रही, गुरुदेव ओकर विधि भी बता दिए ले हवे। ओके खातिर जवन घर में रही वही ओकर देखभाल करी, हमार समझ में आ गई विधि का। देखो बेटा, ज्योति संभालल आपन बस की बात नहीं खे, तू शादी कैला, घर में बहू आ जाई वो अखंड ज्योति के देखभाल करी, तो है संभारी और हमार हाथ भी बटाई, है ना? अरे ऐसे का देखा था वा? अब तोहरे खातिर हम बहू ले आई बहू। नहीं माँ, अब ही शादी नहीं खे करे के। काहे काहे नहीं करवा शादी? 18 साल से पहले शादी कैल मना है। के मना कैलस? शास्त्र और विद्वान। आपके कहल है भैया कि हम सबन के गायत्री के महाजाप करे के चाहिए। बाकी गायत्री जब तक केवल ब्राह्मण ही कर सके ले। ये बात के दूसर तरह समझो, जे गायत्री जप करेला वही ब्राह्मण हो सकेला। प्राचीन काल में सभी बच्चा गुरुकुल जात रहले,
वहाँ पे उनकर उपनयन संस्कार होत रहे। बाकी हमार तो अबले संस्कार भी नहीं के भइल। जब उपयुक्त स्थिति बनी है तब हो जाई। उस समय तक रुके में कौनो समझदारी नहीं खे। ओकर जब के का विधान हो? सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जा और फिर पूर्व दिशा के ओर मुँह कई के शांत चित होके बैठ जा। फिर अपन पास जल से भरल लोटा रखा, ओकरा में से दाया हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेवत चला और गायत्री मंत्र बोल के अपन शरीर पर 5 बार छिड़का, 1 बार आचमन कर और फिर गायत्री माता के याद कर। फिर ऐसन भावना कर के गायत्री माता आ गई नहीं और उनके सामने जप शुरू कर दो। तेरा बैठा और दोनों हाथ के गोदी में रखा, जैसन हम कहीं वैसन बोला। ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखा श्री राम भी लेकिन के पूजा पाठ सिखावे लागल हो। इता कोनो मंत्र सिखावत हवे? ओम काहे कहो रहा रही सब। अरे भागा, चल 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 भागा। दाई जी से एकर शिकायत करे के होई। हाँ, आप श्री राम लेकिन के बाबा जी बने के मंत्र सिखा रहल हा। उ कैसे पता नहीं, वहाँ बैठल बच्चा लोग के कौन मंत्र सिखावत हवे? आज वसंत पंचमी है, लइकन ओही सब पूजा पाठ करत होइए। नाही ताई जी नाही, वो मंत्र सिखा रहल है मंत्र। कौनो भक्ति भाव के मंत्र होई? बेफिक्र रह, श्री राम कौनो के बाबा जोगी ना बनाई। आज होकर गुरुजी मिलल रहे, पता नहीं काका विद्या सिखा के गैल हवे होके। बाकी उ विद्या बाबा योगी खातिर नहीं खे। तू कैसे कह सका था ताई जी, गुरु सन्यासी लोग से मिलला के बाद केहू घर गृहस्थी वाला रह जाएला का? केहू रहे या ना रहे, हमार श्री राम गृहस्थी में ही रही, उ हमके वचन दिले हवे। और इतने बहुत था, तू लोगन बेफिक्र रह। चला भाई चला। नहीं के का? चला चला। ओम भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हमेशा तोहरे साथ हैं, जब वो आवश्यकता होई संपर्क कैले हा। आपन ओर से तोके इच्छा नाही करे के हा। और हाँ, 2 साल बाद तोके हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में आवे के तैयारी रखे के हा। अब सन्यासी होके नहीं जाई और हमके अकेला भी नहीं छोड़ी। हमके आजो स्मरण हा। संभवत 1968 के आश्विनी मास में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के तिथि उ दिन माता दान कुबरी देवी के गोद में आयल शिशु के बारे में हर केहू अनुभव कैले के गांव में योगी यति आत्मा प्रकट भइल हा। घर के बाहर पता नहीं कहवां से गाय आके इकट्ठा होवे लागल रहे। कोठरी में मधुर संगीत बाजे गूंजे लागल। मंत्र के पाठ और रामायण के चौपाई के धुन सुनाई देवे लागल। जन्म के कोई 2 घड़ी बाद हवेली के बाहर एगो तेजस्वी सन्यासी प्रकट भइल और बालक के पिता पंडित रूप किशोर से कहे लागल, शिशु के दर्शन करे के हा बेटा। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। प्रणाम। शिशु के दर्शन करे के है बेटा। बाबा अभी तो कर जन्म के मुश्किल से दो घड़ी बीतल है। हमके मालूम है, हम सिर्फ एको झलक पाके ही चल जाए। बाकी ओकर माँ एकर अनुमति ना दी ही बाबा। कोनो महात्मा ओके ई बतौले है कि तुहार बेटा सन्यासी बन जाई, कोनो सिद्ध पुरुष बन जाई। तू जाके प्रयत्न तो करा, घर के भीतरे से दिखा दा, शिशु के बाहर मत ले हा। अच्छा बाबा। सुना, एगो बाबा बाहर आयल हवे, उ तोहर बेटा के दर्शन कर चाहत हवे। नहीं नहीं, हम नहीं छाया पड़े देव के उ सन्यासी के आपन लल्ला पे। शांत हो जा, उ सिर्फ बच्चा के दर्शन कर चाहत हवे, दर्शन करके चल जाई है, एक बार दिखा देवे में बुराई कहा। हाँ, अरे इता अंदर आ गई ले। नहीं नहीं बाबा, हमरे पास मत आइयो, हमार बच्चा के छुइयो मत। अरे बाबा कहाँ गायब हो गए? अवश्य कौनो सिद्ध पुरुष हुई है। शैशव बीतलो ना रहे कि श्री राम में विलक्षण संस्कार दिखाई देवे लागल रहे। उनकर उठल बैठल, खाइल पियल, पढ़ल लिखल और खेलल कूदल सब अलग तरह के रहे। साधना उपासना भी उनके खातिर जैसे खेल के ही हिस्सा रहे। खेलत खेलत ध्यान के खातिर बैठ गईल और आपन संगी साथी लोग के भी बिठा लिहल। जप और शास्त्र के अभ्यास श्री राम के ओही तरह प्रिय रहे जैसे बच्चा लोग के गेंद और खिलौना, कुश्ती लड़ल और शरारत कईल। उनकरा में दुखी और संतप्त लोग के सेवा के साध दिखाई देवे लागल रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानत हूँ तुहार श्री राम के मंत्र पाठ करत देख के मालवीय जी भी दंग रह गए लले। हाँ जी, रह काहे नहीं जाइए, अभी 5 साल के है, बाकी ज्ञान में आपन शिक्षक के भी चुनौती देवेला। और का, जब वो पढ़त सीखत रहे तो ग से गायत्री बोलले रहे उ। अरे शिक्षक भी तो ग से गाय ही पढ़ावे ले। और उ तो विद्यालय के उत्सव पे ग से गायत्री ही बोलले रहे। लोग कहले कि बड़ा ही विलक्षण बालक है। और कुछ नया? नया? अरे अभी तो हम काशी से ही लौटल हैं। वहाँ मालवीय जी के विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर महायज्ञ चलत रहे। अच्छा? हाँ, और महायज्ञ के विद्वान और पंडित के साथ ब्रह्मचर्य भी संवेद मंत्रगान करत रहले। जी फिर? तुहार श्री राम के मंत्रगान करत देख के यज्ञ स्थल पर निरीक्षण करत समय मालवीय जी ठिठक गेले। हाँ? और उ श्री राम के बड़ गौर से देख ले। और फिर हमरा से बोल ले। हाँ? तुहार बेटा बहुत प्रतिभावान है। ओकर उपनयन हम ही करा देव। अच्छा? हाँ।
का भइल? घाव चोट लागल हका अम्मा? तोहके तो बुखार भी है अम्मा, दवाई लिहलू या ना लिहलू? रुक जा, हम लेके आवत। अब ऐ जमत आई है श्रीराम, हम अछूत के छूला से आपके पाप लगी घर गांव के जाति से निकाल दी हल जाइबा। तू ले भी आइला? जलेला अम्मा, अरे अरे ये का करत हवा श्रीराम? लोग देख लिए हैं तो दंड दी हैं। चिंता मत करी अम्मा, हम सब सहले आप ठीक तो हो जाएं। छप्पो के घर गई रहला? हाँ, गई रही। वो बीमार है। ई जानत हवा कि छप्पो अछूत है? जानीला। देश और समाज के कार्य भी जब तब की तरह कल्याणकारी होखेला। तोहरे कर्म से पूरा देश और विश्व समाज के कल्याण ही होई।